नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली में मामूली विवाद को लेकर लाठी डंडे चले, साथ ही फायरिंग भी हुई। इस पूरे विवाद में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने दो लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सर, अभी कुछ लोग, कितने लोग लड़ाई झगड़े के आए थे जो चोट थी, और कितने लोग गंभीर घायल हैं, क्या मामला है? आपसी लड़ाई में चार पेशेंट आए थे, जिसमें कि दो की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। और लोग जो बाकी हैं? बाकी उनको थोड़ी उनमें भी सर पे चोट है, लेकिन उनकी कंडीशन गंभीर नहीं है। ठीक है, क्या था चोट में ऐसे सर में लगा हुआ? मतलब कुछ हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट था जो सर पे लगा था, लेकिन काफ़ी डीप था। हेड इंजरी थी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा था, ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी, इसलिए रेफर कर दिया हेल्थ सेंटर के लिए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर